हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश अनलिमिटेड स्टडी जोन। गाइस, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। इसके पहले चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने वेरी ब्यूटीफुली वेरी कंसेप्चुअली हमने क्लियर कर लिया बच्चों, एंड अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। फिजिक्स अपने फुल फॉर्म में धीरे धीरे आना शुरू हो रही है। देखा जाए तो ये अपनी फर्स्ट बुक का, फिजिक्स की फर्स्ट बुक का बच्चों सेकेंड लास्ट चैप्टर है। कौन सा है? सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फिजिक्स की फर्स्ट बुक में केवल एक चैप्टर रह जाता है, रोटेशनल इनर्शिया, वो जो कि हम इसको कवर करेंगे। मतलब एक तरीके से हमारा फिजिक्स का सिलेबस लगभग आधा आधा होने के करीब पहुंच चुका है ना। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा जाने वाला है, ये चैप्टर बड़ा जाना भी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है अभी तक आपने जो मैकेनिक्स पढ़ी है ना, पूरी मैकेनिक्स को समेट लेगा। आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा वेक्टर, वेक्टर इसके अंदर आएगा। आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा वन डायमेंशन मोशन, बेटा वन डायमेंशन मोशन भी इसके अंदर आएगा। आपने पढ़ा टू डायमेंशन मोशन, बेटा वो भी इसके अंदर आएगा। आपने पढ़ा फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स, इम्पल्स भाई सब इसके अंदर आना है, और आपको डिस्कस करना है इन सारी चीज़ों के बारे में जो आपके सामने लिखी हुई हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, तो सबसे पहले हम वर्क को डिस्कस करेंगे कि वर्क होता क्या है। वर्क होता क्या है? फिजिक्स की भाषा में वर्क को हम लोग हिंदी में भाई साहब बोलते हैं काम। क्या बोलते हैं? काम, की भाई साहब बहुत काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो वर्क यानी कि काम होता है। एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं भाई साहब ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। अब देखा जाए दोनों में रिलेशन, जो काम करता है वो ऊर्जा खर्च करता है, और जिसके पास ऊर्जा है वो ही काम कर पाएगा, हाँ या ना। अब मतलब देखा जाए तो दोनों बातें एक ही है, कार्य ही ऊर्जा है, काम ही ऊर्जा है। वर्क इक्वल टू एनर्जी एंड एनर्जी इक्वल टू वर्क। वर्क ही एनर्जी है और एनर्जी ही वर्क है, बट वर्क हमको दिखाई देता है। कोई इंसान बोझा उठा करके ले जा रहा है तो हमको दिखाई दे रहा है वो भाई साहब बहुत काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, और उस काम को खर्च, काम को होने में एनर्जी उसकी खराब होती है, एनर्जी उसकी कंज्यूम होती है, एनर्जी उसकी जाती जाती है, समझ गए ना। तो जब आप वर्क करोगे तो आपकी एनर्जी क्या होती जाएगी? यूज़ होती जाएगी। क्या होती जाएगी? यूज़ होती जाएगी। तो आइए इन सब चीज़ों में बड़ी मज़ेदार टाइप की फिजिक्स है, यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वर्क पावर एंड एनर्जी कह लीजिए, या वर्क एनर्जी एंड पावर, क्योंकि चैप्टर में हम वर्क पढ़ेंगे, फिर एनर्जी पढ़ेंगे, फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे पावर, फिर क्या पढ़ेंगे? पावर। मज़ेदार कंसेप्ट है पावर का भी, बाद में बात करेंगे पावर होती क्या है। यदि छोटे शब्दों में बात की जाए तो आप कितने खर्चीले हैं, किस चीज़ के खर्चीले? एनर्जी के। किस चीज़ के खर्चीले? एनर्जी। यही आपकी पावर है, यही आपकी क्या है? पावर। अगर आप पैसे खर्च करेंगे तो कहेंगे हमारा लड़का बड़ा उड़ाऊ है, हमारा लड़का बड़ा खर्चीला है यार, पैसे बिल्कुल बड़ी जोर से खर्च करता है। बोलो हाँ ना। 1,00,000 रुपए दे दो एक दिन में खर्च करके, क्या 1 घंटे में खर्च करके आ जाएगा। ऐसे ही पावर मतलब एनर्जी को खर्च करने की एबिलिटी, जिसकी पावर ज़्यादा मतलब वो एनर्जी को ज़्यादा खर्च करता है। यस और नो? तो 100 वाट का बल्ब और 200 वाट का बल्ब, 200 वाले वाट की पावर ज़्यादा है, इसलिए वो दोगुना खर्चा करेगा। डिटेल में आएंगे इन चीज़ों के बारे में। आइए सबसे बात करते हैं, पहले बात करते हैं वर्क की फिजिकल डेफिनेशन की, कि वर्क का फिजिकल मीनिंग क्या है। बोलिए जी, क्लियर हो गया? वर्क का फिजिकल मीनिंग, व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स इट्स इफेक्ट अंडर इट्स इफेक्ट देन वर्क इज सेट टू बी वन। अगर आपके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो मूव करता है, व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव, ये देखिए भाई साहब ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, बोलो जी हाँ, और आपने फोर्स लगा करके इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को यहां से यहां मूव कर दिया, बोलिए ये सुनो, ये हालांकि सेंटर ऑफ मास है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपने यदि यहां पर लगाया तो आप देखो ध्यान से, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां से यहां तक मूव हो गया कि नहीं हो गया, हाँ ना। ये कहां मूव हुआ है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। भैया हमें केवल उस डायरेक्शन से मतलब है जो फोर्स की डायरेक्शन है, और हमें कोई मतलब नहीं है। काम केवल तभी माना जाएगा जब वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा। फोर्स की डायरेक्शन के अलावा अगर किसी डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो काम माना नहीं जाएगा। अभी आएंगे इस बात पर, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर काम किया माना जाएगा तब, यदि एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो होता है मूव करता है किसकी डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? तो देखिए ये फोर्स की डायरेक्शन है, यही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। सो आंसर वीड, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये फॉर्मूला केवल पैरेलल केस के लिए ही लगेगा, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? आप इसे फोर्स इंटू डिस्टेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फोर्स इंटू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, क्योंकि वन डायमेंशन मोशन है, सीधी रास्ता है, और सीधे रास्ते में क्या कहोगे? डिस्प्लेसमेंट कहोगे, डिस्टेंस कहो, दोनों क्या है?
बराबर हैं, बशर्ते घूम करके वापस ना आ जाओ। आ गई बात समझ में ना, कोई दिक्कत? तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक और अद्भुत सी बात आपके समझ में आ गई कि एक ब्लॉक को लेकर के यहां गए और उस ब्लॉक को लेकर के वापस आ गए, बताइए वर्क कितना? जीरो। ये देख रहे हो भाई साहब चमत्कारिक बातें हैं। बच्चे ने खसका दिया, वापस ले आया, बोले तुमने कितना काम किया? बोले जीरो, कोई काम नहीं किया आपने। तो फिजिक्स की भाषा में वर्क वर्क अलग चीज है। अब आइए देखते हैं। अब आप कहोगे सर अगर हम जो है हम फोर्स ऐसा ना लगा रहे हैं, हम ये तिरछा वाला फोर्स लगा रहे हैं, इंक्लाइंड वाला, ये लोगो जी ये क्या लगा रहे हैं? इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं। बोलो हाँ। और इस फोर्स के प्रभाव में ये जो बॉडी बॉडी है ये खसक करके यहां तक आ गई, आ गई। अब ये बताइए इस बॉडी को यहां तक लाने में क्या केवल फोर्स का, इस फोर्स का यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ? नो भैया, ये फोर्स जो है ये थीटा एंगल पे लग रहा है, तो यहां पर जो फोर्स का जो कंपोनेंट काम आया है इसको इधर घसीटने के लिए वो है एफ कॉस थीटा, और यहां पर जो काम आएगा वो क्या है? एफ साइन थीटा। बेटा एफ साइन थीटा जो है उसको लिफ्ट करेगा, क्या करेगा? लिफ्ट करेगा, मतलब हल्का सा उसको उठाएगा। यस और नो? जिसकी वजह से फ्रिक्शन में कमी आएगी। आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था ना, पुल इज बेटर देन पुश, याद आया? तो भैया एप्साइन थीटा उसके फ्रिक्शन फोर्स में कमी करेगा और एफ कॉस थीटा उसको घसीटने में मदद करेगा। आई बात समझ में ना? तो फोर्स का वो वाला पार्ट मेरे बच्चों जो कि इसे डायरेक्शन दे रहा है, जो कि इसे डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, कौन सा है? अरे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा पार्ट है फोर्स का? हाँ बिल्कुल सही। तो वर्क कराने के लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार होगा, एफ कॉस थीटा की एप्साइन थीटा? एफ कॉस थीटा। और आप फिर वही बात करोगे कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स का वो वाला पार्ट एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस। मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस। तो ये देख लीजिए फॉर्मूला आ गया, अगर किसी एंगल पर काम करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। यस और नो? डॉट प्रोडक्ट की एंट्री होती यहाँ पे, मॉड फोर्स को लिख सकते हैं हम, मॉड ऑफ फोर्स। बोलिए हाँ। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। तो आपको याद होगा ये मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जब हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो भाई साहब वर्क क्या बन गया? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट बन गया है। क्या बन गया? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो ये देखिए यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट है, तो फोर्स का तो वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, यहाँ पर बन रहा है एफ कॉस थीटा। और तो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, रेदर दे आर इंक्लाइन एट एन एंगल, देन द इवैल्यूएशन ऑफ द वर्क कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी कंसीडर्ड। केवल एफ कॉस थीटा को ही जिंदाबाद कहेंगे, बाकी टाटा बाय बाय। सो वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एस, बनेगा एफ एस कॉस थीटा, जिसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस। हाँ ना? और ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, खूब बहस हमने की थी इसके बारे में कि डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसमें दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होके किसको जनरेट करती हैं? एक स्केलर क्वांटिटी को। समझ में आया? सो डॉट प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई होकर के एक स्केलर क्वांटिटी को जनरेट करेगा। ओके चलिए, तो एक तो यहां पर एक बात निकल के आई है, फिलहाल आगे देखते हैं स्लाइड में क्या है। ये देखिए वेक्टर डेफिनेशन ऑफ द फोर्स वर्क, वही वेक्टर डेफिनेशन ऑफ द वर्क, वही जो मैंने बात करी है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज बट देयर प्रोडक्ट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, हेंस वर्क मस्ट बी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब वर्क जो है वो दोनों का क्या होना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए या स्केलर प्रोडक्ट होना चाहिए। बोली हाँ है ना? क्योंकि जब दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट से, वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से एक नई स्केलर क्वांटिटी का जन्म होता है भाई साहब, तो फिर वो जो दो वेक्टर क्वांटिटी, दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही थी, यकीनन यकीनन वो क्या रही होंगी? वेक्टर रही होंगी, और उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट रहा होगा। हाँ या ना? चलिए, तो ये वाली बात भी हो चुकी है। अब इसकी मजे की बात बताऊं मैं आपको बच्चों, इसकी मजे की बात ये है कि आप जानते हो कि W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। बोलो जी हाँ है ना? सो भैया W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये भी देख लिया ना आपने, अगर फोर्स लगे ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो यहां, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री? तो भाई साहब एफ इंटू एस इंटू कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? और जीरो के लपेटे में सब कुछ जीरो हो जाएगा। मतलब वर्क कितना हो जाएगा, मतलब एनर्जी का खर्चा कितना हो जाएगा? जीरो। समझ में आ गया? मतलब यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलरली काम करते हैं
तो किसी भी प्रकार का वर्क डन फिजिक्स की भाषा में नहीं होता है। तो सवाल उठता है कि एक कुली प्लेटफॉर्म पे ले करके एक बक्से को आगे बढ़ा जा रहा है, बताइए इसका वर्क डन कितना होगा। भाई साहब कुली बक्से को हाथ में उठाया हुआ है, बोलिए यस ऑर नो, तो इसका फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, बोलिए यस ऑर नो। एम जी क्लियर है। और डिस्प्लेसमेंट भाई साहब की कहाँ है, आगे। दोनों के बीच का एंगल कितनी डिग्री है, 90। तो वर्क डन कितना आएगा, समझ में। तो आपको कुली को पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, फिजिक्स की भाषा में नहीं देने चाहिए, मगर भाई साहब देने तो पड़ेंगे, मेहनत तो कर रहा बंदा, समझ गया ना। तो फिजिक्स की भाषा में यहाँ पर वर्क डन कितना है, जीरो। दूसरी बात करते हैं, अभी अपनी सैटेलाइट की बात कर लेते हैं। ये देखिए भाई साहब, ये आत्मी अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। और ये देखिए यहाँ पर हमारा सैटेलाइट जो भी है, चंद्रयान मंगलयान जो भी जो घूम रहे हैं, अर्थ है या जो भी प्लैनेट है उनके, यस ऑर नो। अब देखिए बेटा यहाँ पर इसका लग रहा सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ या ना, क्या लग रहा, सेंट्रीपिटल, जिनकी वजह से ये टाई पकड़ के उस अपन सेटेलाइट को घुमाती है, अर्थ आया ना। और ये देखिए ये है इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, क्योंकि इस समय डिस्प्लेसमेंट इसका टेंजेंशियल होगा, क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल देखो कितना है, मतलब वर्क डन कितना होगा, मतलब हर मोमेंट का वर्क डन कितना होगा, मतलब कि अर्थ के राउंड घूमने में या किसी प्लैनेट के राउंड घूमने में किसी प्रकार का वर्क डन होता। इसीलिए बच्चों बिना किसी फ्यूल के सैटेलाइट सालों साल तक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। वो अपने घूमने का कोई खर्चा नहीं लेते हैं, समझ गए। तो बोलते हो सर सोलर पैनल लगे होते हैं वो क्यों होते हैं, तो भैया उनके अंदर कैमरा होता है, उनके अंदर लाइट्स जलती हैं, हाँ है ना, तो उसका खर्चा तो लगेगा ना। तो इसलिए कैमरे को ऑन करने के लिए, लाइट को ऑन करने के लिए वो अपने सोलर पैनल लगा के यहाँ से भेजे जाते हैं, समझ गए ना। अदरवाइज अगर आप घूमने का कोई चार्ज लगना है तो घूमने का कोई चार्ज नहीं लगेगा, ताउम्र घूमते रहेंगे, आई बात समझ में ना, जैसे चांद घूम रहा है, क्लियर है ना, अर्थ के चारों तरफ बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बड़ी अच्छी बात सीख ली बच्चों ने कि वर्क डन इक्वल टू कितना होगा बच्चों, जीरो होगा, बोलो क्लियर है एकदम, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्सेस की बात हो चुकी है, ओके। ये तो थी अभी तक बच्चों हमने जो आपको फोर्स का रवैया बताया, जो हमने जिस फोर्स की बात करी बच्चों, वो था कांस्टेंट फोर्स। कैसा फोर्स था, कांस्टेंट फोर्स, कैसा फोर्स था, कांस्टेंट फोर्स, मतलब एक अपने दोस्त को आप उतनी रफ्तार से खींच रहे हो जिस रफ्तार से खींच रहे हो, उसको बदल नहीं रहे हो, उसको बदल नहीं रहे हो, एक फिक्स रफ्तार से उसको खींच रहे हो, बोलो हाँ है ना, उसको एक फिक्स रफ्तार से उसको पुश या पुल जो भी है उसको लगा रहे हो, उसको बदल नहीं रहे हो, बोलिए यस ऑर नो। अब हम आपको बात करेंगे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। एक वेरिएबल फोर्स होगा तो कितना वर्क डन करेगा, समझ गए ना, एक वेरिएबल फोर्स होगा तो कितना वर्क डन करेगा। जब बेटा आप स्प्रिंग के सामने आते हैं, जब आप स्प्रिंग के सामने आते हैं, ये एक स्प्रिंग लगी हुई, बोली हाँ है ना, ये आ गई स्प्रिंग के सामने, और यहां से स्प्रिंग को दबाना शुरू करते हैं, तो पहले भैया कम मेहनत करनी पड़ती है, बोलो हाँ है ना, कम फोर्स लगता है। जैसे अंदर आते हो तो और फोर्स लगता है, और अंदर आए तो और फोर्स लगा, और अंदर आए तो और फोर्स लगा, और बहुत ही ज्यादा अंदर आ गए तो बहुत गजब का फोर्स लगाना पड़ता कि नहीं लगाना पड़ता। तो मतलब यहाँ फोर्स की वैल्यू बदल रही कि नहीं बदल रही है, बोलो बदल रही कि नहीं बदल रही है, नहीं बदल रही है, फॉर फोर्स की वैल्यू बदल रही है यार। पहले कम फोर्स था, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, हाँ या ना। मतलब यहाँ पर जो फोर्स है, कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स की वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स है। तो भैया इस स्थिति में क्या होगा, आइए देखते हैं इस स्थिति में क्या करना पड़ता है, क्या फॉर्मूला लगेगा। बच्चों अभी आपने देखा कि W इज इक्वल टू एफ इन टू एस, देखा कि नहीं देखा, देखा ना, W इज इक्वल टू एफ इन टू एस, एफ डॉट एस। मैं काम करता हूं इसको छोटी डिस्प्लेसमेंट के लिए, मैं फॉर्मूला बना देता हूं, मैं इसको बोलता हूं DW, क्या बोलूंगा, DW। अब वेरिएबल फोर्स ले लो F, और F किसके साथ बदल रहा बेटा, DS के साथ, किसके साथ, DS के साथ। तो ये छोटा सा वर्क है, छोटा सा वर्क है, बोलो हाँ है ना, छोटा सा वर्क है, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए, कितनी डिस्प्लेसमेंट के लिए, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए, इतनी डिस्प्लेसमेंट मान लो DS, हाँ है ना, क्लियर हुआ। अब इतनी सी डिस्प्लेसमेंट में मैंने मान लिया कितना फोर्स लग रहा है, F, कितना लग रहा है F। अब मुझे पूरी डिस्प्लेसमेंट इतने के लिए वर्क निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, फिजिक्स की भाषा इंटीग्रेशन से होगा, क्या होगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, छोटे काम से बड़े काम के लिए जाना, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। और ये भैया डर वर्क डन आ जाएगा टोटल, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होगा, क्यों, क्योंकि पढ़ा रखा है डी एक्स का क्या होता है, एक्स होता है, तो डी डब्ल्यू का कितना हो जाएगा डब्ल्यू, और ये बन जाएगा एफ डॉट डी एस, क्या बन जाएगा एफ डॉट
डीएस फोर्स, एफ मतलब फोर्स और डीएस मतलब डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ गया। तो ये देख लिए भाई साहब, ये बन गया एफ डॉट डी एस, और लिमिट एस वन से लेके एस टू तक जहां से खसकाना शुरू किए थे और जहां तक खसकाना करे हो वहां तक, बोलो है ना, क्लियर हुआ। और इसी पे एक चीज भाई, इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया देता है। इंटीग्रेशन क्या देता है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का क्या देगा, वर्क डन देगा, क्या देगा, वर्क डन देगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या देगा आपको, वर्क डन देगा। तो मैं लिख सकता हूं, आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया वर्क इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है जी। हाँ तो देखिए, यदि आपके पास में, मान लीजिए यदि आपके पास में ये फोर्स है और ये आपके पास में डिस्प्लेसमेंट है, और ये देखिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ शुरू हो रहा है बेटा, x1 से कहाँ तक हो रहा है, x2 तक। तो अगर आप x1 से x2 तक का एरिया निकालेंगे तो ये जो एरिया रहेगा वो क्या होगा, ये वर्क देगा, क्या देगा आपको, वर्क डन देगा, समझ में आ गया ना। लिमिट प्रोवाइडेड में, उस गिवन लिमिट में आपको वर्क डन देगा, बोली क्लियर है, ठीक है ना जी बच्चों। तो अभी आपने देखा कि ये जो फोर्स है ये बदल रहा था, फोर्स क्या हो रहा था, बदल रहा था। वेरिएबल फोर्स के लिए आपको ये वाली सिचुएशन लगानी पड़ेगी, वेरिएबल फोर्स के लिए आपको ये वाली सिचुएशन लगानी पड़ेगी, क्लियर हो गया ना। वेरिएबल फोर्स के लिए आपको ये वाली सिचुएशन लगानी पड़ेगी। अब बेटा एक और फोर्स का नेचर है, हालांकि वो आता नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक होता है जगह के साथ बदलना, एक क्या होता है, जगह के साथ। जैसे आप स्प्रिंग को खींच रहे थे यहाँ पे, जैसे आप स्प्रिंग को यहाँ पे दबा रहे थे, तो जैसे जैसे आपकी डिस्प्लेसमेंट कम हो रही थी वैसे फोर्स बढ़ रहा था, बोलो है ना। मतलब एक्स जैसे जैसे आपका छोटा होता जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्लोज आप पहुँचते जा रहे थे, वैसे वैसे फोर्स क्या होता जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बोलो है ना, क्लियर ना। जैसे जैसे होता आज भैया फिजिक्स में भी आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के जितना पास में आप जाओगे फोर्स उतना क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पर कम फोर्स लगता है, अंदर फिर और ज्यादा लगता है, सबसे पास में और ज्यादा लगता है, मतलब जितनी दूरी कम होगी फोर्स उतना ज्यादा होगा, बोलिए है ना, पक्की बात है ना बच्चों। तो भैया फोर्स बढ़ रहा है, तो यहां पर फोर्स किसके साथ कंट्रोल हो रहा है, डिस्टेंस के साथ, किसके साथ, मगर सोचो जरा टाइम के साथ फोर्स बदले तब क्या होगा, समझ गया ना। मतलब फोर्स किसके साथ बदले, टाइम के साथ, फोर्स किसके साथ बदले, टाइम के साथ, मतलब टाइम के साथ फोर्स बढ़ता जाए, टाइम के साथ फोर्स बढ़ता जाए। जरा सोचते हैं भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मान लो बच्चों की अर्थ के ऊपर कोई कॉमेट गिरने वाला हो, क्या गिरने वाला हो, कॉमेट गिरने वाला हो, क्लियर है, बड़ा सा उल्का पिंड, अर्थ के ऊपर कोई बड़ी सी उल्का पिंड गिरने वाली हो, बेटा जब तक वो दूर रहेगा तो अर्थ के अट्रैक्शन से दूर रहेगा, बोलो हाँ। तो अर्थ का अट्रैक्शन कम लगेगा तो इस पर फोर्स कम लगेगा, बोलो हाँ। मगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम के साथ, टाइम बढ़ने के साथ साथ ये अर्थ के क्लोज आएगा कि नहीं आएगा, और इस पर फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ, है ना। अर्थ की ग्रेविटी में आते ही इस पर फोर्स जोर का लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। दूसरी बात आपके एग्जांपल कर दूं, आप पर मैं बात कर दूं फोर्स की, अभी आपके पेरेंट्स आप पर कम फोर्स लगा रहे होंगे शायद, क्योंकि एग्जाम नहीं है। जैसे जैसे एग्जाम आएंगे आपके पेरेंट्स का फोर्स आप पर बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। मतलब कुछ फोर्सेस होते हैं जो टाइम पर डिपेंड करते हैं, क्या करते हैं, टाइम पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए भाई साहब ये रूल लगेगा हमको, टाइम डिपेंडेंट फोर्स, फोर्स वेरिंग विद टाइम, इन दिस कंडीशन वी कंसिडर फोर्स टू बी कॉन्स्टेंट फॉर एलिमेंट्री डिस्टेंस। अरे ये सब बातें छोड़ो, सीधे ये देखो भाई साहब, हमने क्या पढ़ा, एफ इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी एस, बोलो है ना। अब भैया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं देना है, फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में ले, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एफ इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, बोलिए सुनो। टाइम की एंट्री करानी है तो मैंने डी टी का डिवाइड किया और डी टी का मल्टीप्लाई किया, डी एस बाई डी टी पढ़ा होगा क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, तो बन गया एफ इंटू वी इंटू डी टी, बोलो हाँ है ना, एफ इंटू वी इंटू डी टी। ये छोटा सा काम है, कौन सा काम है, छोटा सा काम है। तो बड़ा से काम के लिए क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो एफ डॉट वी, और टाइम की लिमिट लगा दो, बोलो टी वन से लेके टी टू, ये सुनो।
मतलब क्या हो गया, टाइम लिमिट के अंदर फोर्स और वेलोसिटी ग्राफ का एरिया जो होगा वो आपको क्या देगा, वर्क देगा, क्या देगा, वर्क। बट बेटा इसकी प्रॉब्लम, ये थोड़ा एडवांस हो गया, इसकी प्रॉब्लम आपके सिलेबस में बहुत कम है, इतने हाई लेवल पे आपको कूदना नहीं है, इतने हाई लेवल पे आपको जाना नहीं है। ऊपर वाला जो मैंने आपको बात बताया बेटा ये बहुत काम में आएगा, है ना, बट टाइम के रिलेशन में आपका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बोलो आ गया समझ में ना। चलो भाई साहब वही बात है दूसरी, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस फ्रॉम द ग्राफ, तो मैंने बता दिया है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया क्या देगा, वर्क डन, क्या देगा, वर्क डन। बोलो यस नो, तो ये देखिए लिखा हुआ है कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया बाय द ग्राफ, एरिया ऑफ द ग्राफ, यस नो, वर्क डन जो होगा एरिया देगा, यही बात जो मैंने आपको पढ़ाई है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। बोलो यस नो। अब चलिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस देख लेते हैं। नंबर वन, बोलो एंगल कितने डिग्री, जीरो डिग्री, तो एफ एस कॉस थीटा में भाई साहब कॉस जीरो रखोगे तो कितना आएगा, एफ इंटू एस, एफ इंटू एस मतलब पहला वाला फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्योंकि भाई साहब पूरा पूरा फोर्स ही तो यूज हो रहा है, हो रहा कि ना हो रहा है। अब ये देखिए फोर्स लग रहा है ऊपर नीचे, बोलो हाँ है ना, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, आगे, तो भैया डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, नो no. तो जब लग ही ना रहा है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स, तो वर्क डन कितना निकलेगा, जीरो, मतलब कुली लिखा है, कुली है ना, कुली कैरिंग ए लोड ऑन हिज हेड मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन ही अप्लाइज फोर्स वर्टिकली टू बैलेंस द वेट एंड बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, क्लियर हो गया। तो इसलिए कुली के द्वारा किया गया काम कितना होगा, जीरो ना। अब भाई साहब आगे देख लो, अब ये देखिए डिस्प्लेसमेंट नीचे है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, नीचे है, और फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, क्या हो सका भाई साहब, ये उठा करके किसी बंदे ने सीढ़ी चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया, सीढ़ी खड़ी चढ़ाई, खड़ी सीढ़ी चढ़ गया ऊपर, तो फोर्स लगा करके ऊपर चढ़ गया, बोलो हाँ, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नीचे, ये सुनो है ना। तो अब देखो भाई साहब ये जो है इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे है और फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, ठीक है ना। तो अपने पास डब थीटा इक्वल टू कितने डिग्री, 180 डिग्री, सो कॉस 180 कितना होता, माइनस माइनस वन, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस एफ एस, माइनस एफ एस। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, हाँ ठीक है ना, हाँ। तो अब इस तरीके का वही है कि कुली जो है सिर पे अपने लोड लेकर के, है ना, मूविंग वर्टिकली डाउन, वर्टिकली डाउन, कुली जो है सिर पे लोड लेकर के नीचे की ओर जा रहा है, देख लो भाई, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है, बोलो हाँ, और लोड पर अपना जो हाथ से वेट फोर्स लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री, 180, तो यहाँ पे वर्क निगेटिव हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा। सो गाइस ये था हमारा पहला सेगमेंट, इसका था, हमने यहाँ पे वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो दूसरा सेगमेंट हम कल स्टार्ट करेंगे गाइस, वो रहेगा एनर्जी, क्या रहेगा, एनर्जी। आज हमने वर्क कंप्लीट किया, कल हम एनर्जी बताएंगे और टाइप ऑफ एनर्जी बताएंगे, आप भी पढ़ करके आइएगा कि कितने कितने टाइप की एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, समझ गए ना, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, है ना, और वेव एनर्जी, भाई बहुत सारी टाइप ऑफ एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी।